घर से 2 किलो आलू लिया, 2 साल काम किया मैंने, ये किया, कुछ नहीं किया, ये किया, हत्या उंगलियों पे नाचे और एंटरटेनमेंट तैयार। किसी भी आज तक किसी ने थाईलैंड वालों ने थाईलैंड को नहीं दिखाया जिस तरीके से हम लोगों ने थाईलैंड को। भाग जगे इस गन के अपने पिया के मैं बलबली जाऊं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कुर्सी की पेटी तेजी से बांध दीजिए क्योंकि फिल्मी बीट आप ऐसे यात्री से मिलाने जा रहा है जो भाई मात्र 300 रुपए में पूरा थाईलैंड घुमा देगा। घुमाएंगे ना आप लोग बॉलीवुड की फिल्म को जी। हम स्वागत करते हैं सीमा बाबा जी का, रघुवीर यादव जी का, चाहत खन्ना का और हमारे प्यारे अनुराग का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिल्मी बीट में। और यात्री का ट्रेलर देखा, मजा आ गया। पर पहला सवाल सर आपसे है, क्या बदला लेने जा रहे हैं आप सीमा जी से? सीमा जी आपसे बदला ले रही है? उनके सामने क्यों पूछ रहे हैं? बाद में बता दूंगा। अभी बता दीजिए ना, अभी 3 घंटे की प्रतीक्षा ये है। एक्चुअली क्या है, ये मुझे सुधारने के चक्कर में इनको सुधारना चाहते हैं। ऐसा है क्या? इल्जाम गलत तो नहीं लगा रहे आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सुधारना है, सुधारना। शर्मा जी के लौंडे से हम बहुत कुछ सीखते हैं, पर इस फिल्म में तो खुद आप शर्मा जी के लौंडे, ऐसा क्या है भाई? शर्मा जी के लौंडे से क्या सीख सकते हैं आप इस मूवी के अंदर? एक तो वो बहुत जल्दबाजी कर रहा है पैसे कमाने के लिए, और जो गधों वाली हरकतें कर रहा है पैसे कमाने के लिए, वो हर यूथ सीख सकता है कि भाई शांति से बैठो, घर वालों के साथ समय बिताओ, वो है खुशियाँ। जिन पैसों के पीछे आप भाग रहे हो वो नहीं है खुशियाँ, उससे आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे और अपने परिवार वालों से भी दूर हो जाओगे जो आपकी रीढ़ की हड्डी है। तो अपने परिवार पर ध्यान दो, उनकी खुशियों पर ध्यान दो, ये सीख सकते हैं। बनारस से बैंकॉक थाईलैंड कैसे, मतलब ये सफर कैसे शुरू हो गया? मेरे ख्याल से बनारस से शुरू आप लोग बोट पे बैठकर निकले और सीधा बैंकॉक पहुंचे, बनारस से निकले और बैंकॉक पहुंचे। परिवार के साथ थाईलैंड क्यों गई? हमें मालूम नहीं है, मुझे कि थाईलैंड क्या होता, मुझे लगा लंदन जैसी कोई चीज है, मुझे क्या मालूम कि थाईलैंड है और ये बैंकॉक है, क्या मुझे क्या मालूम। हमें तो लगा हम विदेश जा रहे हैं बस, इससे ज्यादा हमें क्या मालूम। बाद वहां जाके मालूम पड़ा कि भैया ये तो बैंकॉक है। बैंकॉक में मस्ती वस्ती कैसी रही फिर? तो बस पहली बार कुछ चीज देखी वही हो गया, और मंदिर भी देख के बहुत अच्छा लगा। मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है थाईलैंड के, बहुत सुंदर मंदिर। आई थिंक हमने जिस तरीके से थाईलैंड को दिखाया है, किसी भी आज तक किसी ने थाईलैंड वालों ने थाईलैंड को नहीं दिखाया वो जिस तरीके से हम लोगों ने थाईलैंड को दिखाया। क्योंकि फैमिली ट्रिप और टू थाईलैंड एंड बैंकॉक इज अ, आई होप यू अंडरस्टैंड, सीमा जी ने बोला कि मसाज भी करवाई, ऐसा? हाँ हाँ, फुट मसाज। हाँ हाँ बिल्कुल। आई नो चाहत आप एक स्लैंग से बहुत दुखी है, चाहत ना होती कुछ भी ना होता, मेरा कुछ और है, मेरा कुछ और है। क्या फिल्म में सोनम बेवफा है? नहीं, सोनम का बॉयफ्रेंड बेवफा है। नहीं, वो आप मूवी देखिए पता चलेगा कौन बेवफा है। हाँ, एक्चुअली सीमा मैम, रघुवीर सर, ऑफ कोर्स इतने सीने, मतलब हम लोग मिले, ये इंटरव्यू नहीं है, ये मेरा ड्रीम कम ट्रू है, बिकॉज इट्स लाइक समथिंग हम लोग सोच भी नहीं सकते दैट आई एम सिटिंग सो मच, मतलब आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बट एज एन एक्टर, एज एन सीनियर थिएटर आर्टिस्ट, क्या कुछ आप लोगों ने सीखा दोनों से, और क्या कुछ, मतलब क्या मास्टर क्लास चलती थी वहाँ पे सेट्स पे, ऐसा कुछ था क्या? अब जैसे आप वहाँ बैठ के इतना लकी फील करें, तो ये सोचिए मैंने इनके साथ 50 दिन बिताए हैं, तो मैं कितना लकी फील कर रहा हूँ अपने आप को। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने, आपने इतनी देर में यहाँ पे बैठे, आपने कुछ सीख लिया होगा इनकी बातों से, तो अब आप उसको 50 times मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ नेक्स्ट मूवी में ग्रोथ मेरी एक्टिंग के अंदर दिखेगी दिखेगी, क्योंकि मैंने इन लोगों के साथ अपना पहला, मतलब पहली बॉलीवुड फिल्म। एज ए मदर कुछ लाफे वाफे मन करा कभी कुछ करने? नहीं, वो आंखें ही बहुत है मैम की।
मुझे जैसी आंखें दिखती थी गंगूबाई बाहर दिख जाती थी मैम की इनकी आंखें लाल। बट मैं आपको जनरली एक चीज बताऊंगा, हम थाईलैंड गए थे और जो फैन फॉलोइंग मैंने मैम की देखी, मतलब आई थिंक मैम एक शो के लिए गई थी वहां पे, ट्रांस उनका शो होता है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे से डांस करते हैं वो लोग। मैम के लिए उन्होंने एक सॉन्ग डेडिकेट किया था, दे आर मतलब वो गंगूबाई मूवी के वजह से मैम के बहुत बड़े थे। जहां हम जा रहे हूँ गंगूबाई गंगूबाई मैम के पीछे, मतलब जहां पे बैठ जाएं वहां गंगूबाई का गाना चला के मैम के लिए स्पेशली डांस किया बहुत बार। सीरियसली बिल्कुल। तो आंखें आप उनको दिखाते, इनको दिखाते नहीं, डरिए नहीं, डरिए तो इनकी हिम्मत ही नहीं। इनको इनको आगे दिखा दी, मुझे आंख मार दी थी, मुझे आंख मार दी थी, एक नहीं दो को मार दी थी, एक आंख इन्होंने कभी नहीं मारी, दोनों आंख मार दी थी, घर से दो किलो आलू लिया। मतलब बॉलीवुड को फ्रेश पेयर मिल चुका है वो जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोमांस इनका और हमारे नहीं है, ये रोमांस इन दोनों का इस मूवी में। साड़ी का कुछ ऐसा कुछ वैसा, वो आप देखिए, मैं लिख के दे सकता हूँ। रोमांस है जो हर यू नो हर नॉर्मल लोग करते हैं, नॉर्मल मतलब वो बॉलीवुड वाला जो बहुत कपल्स भूल भी गए हैं, आई थिंक एज होने के बाद काफी कपल्स भूल भी गए हैं बहुत स्मॉल सिटीज के, वो देख के उनको डेफिनेटली बैंकॉक तो बहुत टिकटें बुक होंगे कपल्स की स्पेशली। अच्छा पारिवारिक फिल्म की बात हुई है, हम लोग बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन ऐसा क्या है इस फिल्म में जो मतलब एक्चुअल में इसको डिफरेंट बनाता है और एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाता है? हमेशा हमने देखा है फिल्मों में ना, या तो लड़के की शादी की प्रॉब्लम है, लड़की की शादी की प्रॉब्लम है, कॉमन चीजें होती हैं ये, या परिवार में स्टेटस कुछ प्रॉब्लम है कि बड़ा अमीर घर में शादी हो रही है, गरीब घर का लड़का है, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं। पर उनकी इंटरनल प्रॉब्लम जो फैमिली को एक दूसरे से प्यार करने पर मजबूर करे, एक दूसरे का रिश्ता जोड़े, वो इस कहानी में पहली बार हम देखेंगे कि परिवार में अपनी भी कुछ एक बहुत ऐसी कॉमन सी समस्याएं होती हैं जिसको हम पता नहीं क्यों अनदेखा कर देते हैं। तो वो एक खासियत है इस फिल्म में जो और फिल्मों से अलग है। मैं आपका कहीं इंटरव्यू पढ़ रही थी और राम प्रसाद की देवी, मैंने ऐसा सुना था कि आपने स्टार्स को अगर वो अलग अलग हो गए तो आप उनको चाट पकौड़ी खिला दीजिए। बिल्कुल। बैंकॉक में ऐसा क्या खिलाया है? जैसे मैं तो मुझे भी लगता मदर की अलग ही खिलाती थी। मैं मेरे घर में मैं अपने फादर से ज्यादा डरता था, माय मॉम वाज माय बेस्ट फ्रेंड, बट इस मूवी के अंदर मेरे फादर और मदर दोनों से मैं काफी डरा हूँ बिना डराए। तो ये रियल लाइफ बॉन्ड जो है, रियल लाइफ कितना बन चुका है? बहुत ज्यादा। मैं बहुत मिस, शूट के बाद तो मैंने बहुत मिस किया मैम सर चाहत को, जेमी को बहुत ज्यादा मिस किया। मतलब मैं एग्जैक्टली मेरे मन की इच्छा तो यही है कि ये मूवी हिट और हम यात्री शुभ है। यात्री शुभ है। तो भैया रघुवीर सर, एक चीज आपसे जानना है कि क्या किस क्या लाइन में आप डिफाइन करते हैं सीमा जी, या अपने फिल्म में कैरेक्टर में क्या डिफाइन करते हैं? एक लाइन में बताइए। बीवी होते जोरू का गुलाम तो नहीं है? और आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं सीमा मैम और रघुवीर सर को? मैम को तो मैं डिफाइन करता हूँ एज अ स्ट्रिक्ट मदर और लवेबल व्हेन शी वांट्स टू बी। मतलब मेरे जैसे लड़के को अगर सीधा कर सकती हैं तो मेरी मदर ही कर सकती है। क्या बोलूं घर की बातें क्यों उखाड़ना। अभी आपके साथ जेन जी बहुत सारे एक्टर्स भी मौजूद रहे हैं, बट डू यू थिंक दैट कोई एक आजकल एक चीज हो गई ना कि आजकल सब एक्टर्स मेथड एक्टिंग हो या कुछ भी बहुत शॉर्टकट चाहते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक कि ये आ चुका है इंडस्ट्री में ऐसा कि दे नीड अ शॉर्टकट, यू नो, जबकि आप लोगों ने हर चीज स्टेप बाय स्टेप, यू आर द लेजेंड्स नाउ, बट डू यू थिंक दैट इट इज अब हो चुका है इस इंडस्ट्री में? नहीं अब, हाँ अब ये वापसी बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि आप देखिए ना ड्यूरेशन कितनी कम हो गई है एंटरटेनमेंट की। पहले एक फिल्म को बनाने में 3 घंटा लगता था, फिर 2 घंटे हुए, फिर 1.5 घंटे की फिल्म आने लगी, फिर शॉर्ट फिल्म्स आ गई जो 40 मिनट की हो गई, उसके बाद 30 मिनट की हो गई, अब 12 मिनट की हो गई, 7 मिनट की हो गई, 3 मिनट की हो गई, और आपको सेकंड्स के ये लोग इंस्टा पे रील बनाने लगे हैं। बिल्कुल। तो एंटरटेनमेंट का ड्यूरेशन इतना कम हो गया, जो 3 मिनट में
मुझे वो एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मुझे हंसा रहा है, उसके लिए मैं 3 घंटा अपने कैसे निकालूंगी? और उस 3 मिनट के रील बनाने के लिए जो लोग बना रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं कि उनको कोई बहुत बैकग्राउंड चाहिए या बहुत कोई स्टडी चाहिए, उनका जस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बनाते हैं और क्लिक होता है उनका। तो ये लड़ाई बहुत अलग है, मुझे लगता नहीं कि ये कभी वापस आ पाएगा, जिस तरह की मेहनत हम लोग कर चुके हैं या जिस तरह की चीज़ें हम कर चुके हैं, अब इन लोगों के लिए तो यूजलेस चीज़ें हैं। इतना क्या कर रहे हो आप लोग, ये तो 2 मिनट में होता है, हम तो बैठे बैठे रील बना लेते हैं। आप कह रहे हो कि मैं सोचा, मैंने घुसा, मैंने महसूस किया, मैंने ये किया, कुछ नहीं किया, ये किया, हत्या उंगलियों पे नाचे और एंटरटेनमेंट तैयार। तो मुझे लगता है दुनिया बहुत अलग हो चुकी है, हम लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, सब पैर छूने लग गए हैं, तो बुजुर्ग ही हो गए होंगे। तो अब क्या है कि हम आपस में खुश हो लेंगे कि भैया वो याद है जब एक रोल निकालने के लिए आपने ऐसा किया था, कोई कहानी किससे रह जाएंगे। एंटरटेनमेंट अब इन लोगों के हाथों में है, ये जैसा आगे इंडस्ट्री चलाएंगे चलेगी इंडस्ट्री। सर एक शिकायत है आपसे, इंस्टाग्राम पे आपको टैग भी नहीं कर सकते ऐसा, मतलब चाहत से आपने इतना भी नहीं सीखा मतलब सर गलत है, तो मैं आज इनको सिखा दूं प्लीज। मतलब मैं जब पंचायत देख रही थी तो मैं इनको कुछ सीन में टैग कर रही थी, मतलब स्टोरी में टैग नहीं कर, अरे हम भी इनको नहीं टैग कर पाते, कल मैं इनको टैग कर रही थी, कल भी मैं नहीं कर रही थी, मुझे पता था इनको पता नहीं होगा कि हम इनको टैग नहीं कर सकते, किसी ने ऑफ करके इनको बताया भी नहीं होगा। क्या है कि मैंने खोला था तो मुझे, मैं सबको फॉलो करने लग गया, मेरे बेटे ने मुझे डांट दिया कि अरे सबको नहीं किया जाता, उसके बाद फिर बंद कर, मुझे फॉलो का मतलब, फॉलो का मतलब पहले बहुत दिन तक तो वो नोकिया का जो फोन था जिसमें फोन आ सकता है और जा सकता है, उसने कहा यही है मेरी जिंदगी, इसके आगे मुझे फोन से कोई लेना देना नहीं है, पर हमने उसको जबरदस्ती बर्थडे पे दे दिया। अब एक दिन उसने जो खोला तो उसमें ये सब आया ना, हेलो वेलो, वो इतना डर गया, मेरी बेटी से बोलते क्या है ये सब, कौन है, मैं नहीं जानता है। उसने कहा डरो मत बाबा, कुछ करना नहीं है, बोले नहीं चाहिए मुझे ये यार, ये झमेले हैं। तो हम लोगों को लगता है कि हमारे लिए बहुत काम है, अभी हमें बहुत कुछ डिस्कवर करना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ, ये सारी चीजें हमें भटका रही हैं हमारी, सारा दिन बैठे मेरे पास टाइम कहाँ है, इनके पास टाइम कहाँ है, तो अभी इतना कुछ डिस्कवर करना है, अभी एक्टिंग के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, अभी हमें शुरुआत भी नहीं मतलब सब ढंग से कर पाए हैं, अभी तो इतना कुछ डिस्कवर करना है कि अच्छा ये कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक, उसको छोड़ के मैं कचकच 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 करती रहूँ तो हमारी दुनिया नहीं है, पर इनकी दुनिया है, इनसे कोई नाराजगी नहीं है, इनकी दुनिया है, ये उस दुनिया में आगे जाएंगे, बड़ा कुछ करेंगे, बट हम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते इस दुनिया में, हमारे लिए हमारी दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत खुश हैं हम अपनी दुनिया में, और हमें लग रहा है कि हमारी दुनिया में भी अभी यात्रा बहुत लंबी है हमारे लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ समझ नहीं आती, सच में नहीं आती क्या? नहीं सच में नहीं आती ऐसा क्यों? तो फिल्म के बाद समझ में आई नहीं, अब मेरे फादर ने मुझे जबरदस्ती 11th-12th में साइंस दिलाई थी कि कर ले एंड देन वी कैन पुट यू थ्रू डिफेंस, उसमें कर देंगे, तो मैंने जान पूछ के नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे डिफेंस में जाना नहीं था। बार्गेनिंग मैंने सुना बड़े एक्सपर्ट हो, किससे सुना? ऐसा मैंने सुना, मतलब नहीं, नहीं, नहीं। शॉपिंग में हूँ एक्सपर्ट, मैं शॉपिंग बहुत करती हूँ, बार्गेनिंग मुझसे नहीं होती। बैंकॉक में भी अच्छी शॉपिंग करी? बहुत बहुत करी, बहुत। और दिल्ली की कौन सी स्पेशल मार्केट जो आपको? लाजपत नगर। अरे सरोजनी का मार्केट? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं मेरी शादी हो रही थी तो मैम ने मुझे बताया कि देख वहां से वो शॉप्स के नंबर ही बताए कि लाइक यू नो टेल योर वाइफ टू गेट टू देयर को भी लेना, तू वहां से जाके लेना। आर यू मैरिड? यस यस यस। मैं कुछ और सोच रही हूं, देखो माइक गिर गया। Sorry, ये मेरी बीवी ने करवाया मुझसे। सर प्रधान जी एक सवाल बस, ऑफबीट पंचायत कब आ रहा है नेक्स्ट सीजन? मेरे ख्याल से दिसंबर तक आना चाहिए। बीवी लोग मैं भी व्यूअर हूं पंचायत, माय फेवरेट शो है। अच्छा एक चीज मुझे जानना है कि जब आप लोग थाईलैंड में थे, बैंकॉक में थे, शूटिंग कर रहे थे, कौन सबसे ज्यादा गायब हो जा रहा था बीच-बीच में, कोई ऐसा था? सभी गायब हो गए, सभी गायब, एक दूसरे को दिखाई नहीं देते। लगता कौन गायब हुआ है? मैं और जिमी तो बहुत गायब। हां शॉपिंग के लिए, शॉपिंग कुछ भी, सभी हो जाके बैठे कहीं भी, किसी कैफे में जाके बैठे, हम होटल में बहुत कम रहे, हम लोग गायब हो जाते थे। सबसे लेट मैंने पूछा, सबसे लेट ही
लेट तो हाँ लेट मैं कहाँ से लेट हुआ सबसे जल्दी कौन मैं सबसे लेट सोता था नहीं सबसे जल्दी कौन आता था अरे सबसे जल्दी मैं सबसे जल्दी सीमा मैम क्योंकि मैं उनको रिसीव कर रहा होता था सबसे ज्यादा फूडी कौन है सीमा मैम हम दो नहीं अच्छा सबसे अब ये क्वेश्चन तो आई थिंक बट ऑब्वियसली सोशल मीडिया एडिक्ट कौन है नहीं मैं एडिक्ट नहीं हूं यार मेरे को ऐसा लोगों को लगता है बट नहीं आई डोंट वांट टू कंज्यूम माय टाइम बाय दिस सोशल मीडिया बट यू आर ऑन सोशल मीडिया आई एम लुकिंग आउट फॉर डॉग्स बट मेरी मजबूरी है वहां पर होना बट मैं वहां पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देती हूं बिकॉज़ पिक कौन है सेट पे मैं नो आप नहीं सीमा मैम तो ये ला ये वाला सेगमेंट ये आ गई है देखो ये सेगमेंट में लास्ट था सब तो लेकिन मुझे तो बट ऑफ है तो गुस्सेल कौन है पूरे सेट में मैं गुस्सा करने वाला मैं वो आंखों से आई थिंक ये ऐसे तो बेटे में कुछ तो गुनाएंगे ना मां के तभी बेटा ऐसा है अच्छा दो तीन बस जेन जी स्लैंग्स है अगर आप लोग को आते हैं आप लोग आंसर भी देंगे हेल्प कर सकते मुझे नहीं पता था बोल रहा हूँ सॉल्टी सॉल्टी क्या कौन सॉल्टी कौन है सॉल्टी इग्नोर करना किसी को दैट आई गोस्ट यू आउट ghosting that I don't want to talk to you it's like I want to like ghosting you मतलब Gen Z slang से कुछ कोई वो नहीं है ये Gen Z है he knows everything but he's married तो क्या हुआ Gen Z married नहीं हो सकता क्या I just got married बच्चा है छोटा married हो गया okay अब जाते जाते ऐसा तो नहीं हो सकता कि रघुवीर सर आप है I know energy down हो गई है but हमारे audience के लिए यात्री देखना उन्हें 6 अक्टूबर को जरूर जाना है कुछ हो जाए 4 लाख क्योंकि अभी आपने गाया था हमें बहुत पसंद आया था हम भी साथ देंगे बस छोटा सा कुछ एक मैसेज और साथ में एक गाना हो जाएगा 4 लाइफ मतलब लंबा नहीं पता बोलेंगे सर वो लैला वाला वो एक और आपने एक और सुनाया था ना उस दिन रात को वो बड़ा वो ऐसे चला जाता है बट उसमें इमोशंस आपके बहुत ज्यादा बाहर आ गए थे ना नहीं नहीं उतने मत बाहर आने दो अभी इमोशंस बचे नहीं है कितना बाहर निकाल दो यारी सखी मुर पिया घर आए भाग जगे इस गन के अपने पिया के मैं बलि बलि जाऊं भाग जगे इस बिर हमके अरी सखी मोर पिया घर आए ऐसा जन गए परदेस आए न बार मास साजन साधन गए परदेस आए न बार मास अब ठाट पुराने हो गए री और तड़कन लागे बास और जिस सावन में पिया घर नाही आग लगे उस सावन को एरी सखी मोरे पिया घर आए मजा आ गया सर 6 अक्टूबर को फिल्म देखने जा रहे हैं छोटा मैसेज सब आप सबकी तरफ से मारे हो जी 6 अक्टूबर को आप अपने आसपास के सिनेमाघरों में दूर के सिनेमाघरों में पास के रिश्तेदारों में दूर के रिश्तेदारों में पास के दोस्तों में दूर के दोस्तों में जिससे जब भी मुलाकात हो उसको ये बताएं उसके साथ जाएं पॉपकॉर्न खाएं
कोल्ड ड्रिंक पिए, कॉफी पिए और हमारी फिल्म भी देखें, तो एक पिकनिक की तरह इसको लें और आप भी बनारस से बैंकॉक का मजा लें और टिकट खरीदें और ऐसी फिल्मों को आगे आने दें जो सच्चे दिल से बनाई जाती हैं, ईमानदारी से बनाई जाती हैं। तो 6 अक्टूबर को जरूर देखिएगा हमारी यात्री, 5 तारीख को कपड़े पहने तैयार हो जाए, 6 तारीख को फिल्म देखने जाए। कपड़े 5 तारीख से पहन के तैयार रखिए, 6 तारीख को देखिए, एक ही दिन की बात है। आप 4 तारीख से कर देंगे, 6 अक्टूबर को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है यात्रीज, और 6 अक्टूबर से आप जा सकते हैं फिल्म देखने अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और अगर नहीं तो अकेले भी जा सकते हो यार, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। ये ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म है कि आप अकेले भी हंसते हुए ही वापस आओगे, सो डू वॉच। मैं थोड़ी सी हट के बात बोलूंगा, श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, आप सब अपने बड़े बुजुर्गों को पूछते हैं, तो जो बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको सबको ये पिक्चर दिखाने लेके जाइए, वो आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद देंगे और बहुत खुश होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सो मच, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।